Assalamu alaikum, my name is Mohsin Jahan or I'm an electrical engineer. I'm a European certified PLC programmer too. और इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा विनप्रोलेडर पर किस तरह आप फैटेक की पीएलसी प्रोग्रामिंग करेंगे, किस तरह आप इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिज़ाइन करते हैं, किस तरह हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम पीएलसी पर ट्रांसफ़र करते हैं। ये सब हमें इस कोर्स में उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में सीखेंगे, जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो इस वेबसाइट की पड़ेगी। सो इस वजह से आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने बग़ैर इंटरनेट कनेक्शन के भी ये कोर्स डिज़ाइन किया है। इसके अलावा हम ये सब कंडीशंस इस प्रोग्राम के बाद जब आप ये सब सीख लेंगे प्रोग्राम, तो आप ये सब कंडीशंस खुद से बना सकेंगे। और कुछ कंडीशंस मैंने यहाँ पर रखी हुई भी हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी कंडीशंस ये दी हुई हैं, इंडस्ट्रियल कंडीशंस हैं, जो इस तरह से जैसे मशीनरी हमारी ऑपरेट हो रही होती है और ये सब पीएलसी से कंट्रोल हो रहा होता है, ये सब आप इजीली बना सकते हैं, खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। और कुछ कंडीशंस के साथ मैंने ये बनाकर भी अटैच किया हुआ है फैटेक पीएलसी का। सो आप इजीली ये डाउनलोड करके, अगर आपको कुछ मुश्किल पड़ रहा, आप इजीली ये सब देख सकते हो। तो यहाँ पर इस वेबसाइट की एक ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड चीज़, हमें इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको आप सीखेंगे कि किस तरह से क्या ज़रूरत पड़ेगी। हम इस सॉफ्टवेयर को, मतलब आप सीखेंगे कि किस तरह से डाउनलोड करें, किस तरह से इंस्टॉल करें, और स्टेप बाय स्टेप मैंने कंप्लीट बताया। इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह ये प्रोग्रामिंग हुई हुई है, कुछ सैम्पल प्रोग्राम है मेरे पास, और ये सब प्रोग्रामिंग हम इसी पर करेंगे। सिमुलेशन किस तरह करते हैं, किस तरह से हम अपने पीएलसी को चलाते हैं, किस तरह से हम अपने सर्किट को ये करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो ये सब कुछ हम सीखेंगे इस कोर्स में। और इस कोर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई हाई नॉलेज होनी चाहिए पीएलसी की, या कुछ इस तरह का, मतलब नॉलेज वगैरह या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाजमी नहीं है। जो लाजमी चीज़ है वो रिक्वायरमेंट पे मेंशन है। आप कंप्यूटर लिटरेट होने चाहिए, कंप्यूटर का पता होना चाहिए, माउस कीबोर्ड क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, ताकि आप इजीली ये सब काम कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल सर्किट का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट सीरीज़ पैरेलल में किस तरह से कनेक्ट होता है, और डैट्स इट। तो आप ये सब चीज़ें सीख सकोगे इस कोर्स में। एक शॉर्ट सा कोर्स है और ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो आप इस कोर्स में ये सब चीज़ें सीख सकोगे। सो आगे बढ़ते हैं और इन सब को सीखना स्टार्ट करते हैं।